जैसा कि अब तक तो सब जान गए होंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने AUKUS गठबंधन की शुरुआत कर ली है, जिससे फ्रांस को इससे तगड़ा झटका लगा है और इसको लेकर 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे और यहां फ्रांस ने भारत को साथ लेकर एक ऐसी बात बोल दी है जिससे अब सारी दुनिया का ध्यान सीधे सीधे भारत की तरफ हो चला है। जहां एक दिन पहले AUKUS की बात हो रही थी, वहीं अब फ्रांस भारत के साथ मिलकर एक नया मल्टीलेटरल ऑर्डर बनाने पर बात कर रहा है और ये AUKUS से काफ़ी बड़ा रहने वाला है। यहाँ भारत और फ्रांस काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लेंगे और यहाँ जो सबसे खास बात यह है कि जब से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सबमरीन डील कैंसिल की है, तब से मानो फ्रांस का झुकाव या कहले निर्भरता भारत पे ज़्यादा बढ़ चली है, जो भारत के लिए तो एक शुभ संकेत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से अमेरिका ने क्वाड से दूरी बनाना शुरू किया है, उस वक्त से भारत ये समझ गया है कि भारत को भी बहुपक्ष की ओर देखना होगा और ये काम फ्रांस को भी करना होगा। वैसे भी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें फ्रांस और भारत परमाणु पनडुब्बी पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें भारत के साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी भारत की मदद कर सकता है, यानी कि भारत फ्रांस के साथ रक्षा सौदे के लेन देन में भी मोल भाव आसानी से कर सकेगा। और अगर भविष्य में सब कुछ सही रहा तो भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए खुद भारत में ही एक बड़ी परमाणु पनडुब्बी बना पाएगा, जो कि ज्यादा गोला बारूद और ज्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती हो। मतलब साफ है, अमेरिका ने भारत को एक ऐसा मौका दे दिया है जिसको लेकर वो अब अपना ही माथा पीटने वाला है। और यहाँ जिस तरह फ्रांस और भारत एक हुए हैं, वो आगे चलकर और भी देशों को अपने साथ मिला सकते हैं। जैसे जिस तरह फ्रांस का प्रभाव आपको ज्यादातर अफ्रीका देशों में देखने को मिलेगा, वहीं भारत का प्रभाव आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगा। इससे होगा ये कि दोनों देशों की पार्टनरशिप अब और मजबूत होगी। और तो और, भारत चाहे तो वो सारी टेक्नोलॉजी फ्रांस से ले सकता है, जिसको हासिल करने या उसको बनाने में शायद दशकों का वक्त लगता। मतलब AUKUS के बनने के बाद अब एक और नया गठजोड़ भारत और फ्रांस के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो चीन के साथ ही साथ उन देशों को भी तगड़ा जवाब होगा जो ये सोच रहे थे कि भारत में अब वो बात नहीं रही।